तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आप लोग देख रहे हो आर्टिस्ट रोहित पेंटर यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम है आर्टिस्ट रोहित। और गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल वाला आइकन है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लेना। इससे होगा क्या कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस टाइम तो मैं यूट्यूब पर लाइव आना सोच रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में बता देना कि मैं लाइव आऊँ या नहीं आऊँ। तो जब भी मैं लाइव आऊँगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और वैसे तो मेरे पास आज कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं किस चीज़ से ड्राइंग बनाऊं। तो मैं सोच रहा था कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था उस टाइम मेरा कैसा ड्राइंग होता था, और आज मेरा किस तरीके का ड्राइंग होता है वो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो चलिए, वीडियो को बिना स्किप किए पुरान तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ से शुरू होती है हमारी जो है लगातार ड्राइंग की प्रैक्टिस। और ये मैंने फर्स्ट ड्राइंग का किट जो है वो 150 रुपये का ख़रीदा था, तो इसके अंदर मुझे काफ़ी सारा चीज़ मिल चुका था, तो उस टाइम के लिए काफ़ी था मेरे लिए। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा कलर का ट्राई करता था मैं। मुझे जब कलर के बारे में कोई पता नहीं चलता था, मैं इसी के ऊपर ट्राई करता था। और ये जो आई आप लोग देख रहे हो, वाटर कलर से मैंने रियलिस्टिक बनाने की कोशिश किया था। वाटर कलर तो नहीं, बट पोस्टर कलर को ही मैं उस टाइम वाटर कलर की तरह यूज करता था। और ये जो देख रहे हो आप लोग, ये मेरा फर्स्ट ड्राइंग था इस पेपर के ऊपर। इस पेपर तो क्या, मैं फर्स्ट पोर्ट्रेट मेरा बोल सकते हो कि ये मेरा ड्राइंग जर्नी का फर्स्ट पोर्ट्रेट था। और ये मैंने आमिर खान का बनाया था, जो कि किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है आमिर खान, आप लोग देख सकते हो। और फर्स्ट ड्राइंग आप लोग को कैसा लगे आप लोग कमेंट में बता देना, और अब तक का ड्राइंग आप लोग को कैसा लगता है वो भी बता देना। और ये देख सकते हो मेरा जो ये है विराट कोहली का ड्राइंग, या सेकंड ड्राइंग, या थर्ड ड्राइंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, देख सकते हो किस तरीके का इसका आउटलाइन जो है सेफ है। और ये सब मैंने ग्रेफाइट से बनाया है, तो ग्रेफाइट वाला काफ़ी हद तक सही था। एंड यहाँ पर मैंने कुछ शेप बनाने का कोशिश किया है। और ये जो आप लोग को डिस्प्ले के ऊपर एप्पल दिख रहा है, यही एप्पल मैंने फ्रंट पेज पे बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा उस समय मतलब सही था, ठीक ठाक था। और इसके अंदर वाटर कलर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गया है लाइट जगह पर, और डार्क जगह पर ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ आप लोग का क्या ही मतलब बोलूँ, ऐसा लग रहा है कहीं कहीं डार्क कहीं लाइट। एंड गाइज, ये जो स्पाइडरमैन है ये है 2020 का, तो आप लोग को 2020 नहीं 2021 का है ये ड्राइंग। आप लोग को लग रहा हो कि ये 2020 का है, तो ऐसा नहीं है, और ये भी 2021 का ही है। तो इन दिनों में काफ़ी मैं इम्प्रूव हो चुका था। और ये देख सकते हो किस तरीके का ये फेस लग रहा है। इसका जो मैंने हेयर ड्रॉ किया है वो मैंने फर्स्ट चारकोल पेंसिल ख़रीदा था, उससे मैं रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने का कोशिश करता था, बट नहीं हो पाता था। फिर भी मैंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, बहुत सारा मैंने यहाँ पर देख सकते हो प्रैक्टिस किया है। और कई सारे प्रैक्टिस के बाद मैं थोड़ा बहुत रियलिस्टिक बनाने लगा था। इसमें फेस देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क डार्क लग रहा है। और ये अराउंड 2021 में 4th मंथ का ये वाला है, जो कि काफ़ी हद तक सही था। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये नॉर्मली 1 रुपये का पेपर के ऊपर है। मैंने इस वाले बुक के अंदर ड्राइंग बनाया था, उसके बाद मैंने ड्राइंग जो बनाया था वो यही पेपर है, या इसी पेपर को मैं यूज़ करता था, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ करता था उस समय। और मुझे फ्लिपकार्ट के बारे में पता भी नहीं था कि फ्लिपकार्ट पर इस टाइप का पेपर मिलता है। ये देख सकते हो 1 रुपये का नॉर्मली पेपर कितना लचीला था। जब मैंने स्टार्टिंग किया था उस टाइम का मेरा फेवरेट ड्राइंग था ये वाला, क्योंकि इसका जो हेयर है ना, इसका जो हेयर है वो बहुत ही रियलिस्टिक उस टाइम में लगता था। बट धीरे धीरे समय के साथ साथ इसका जो पेंसिल था वो उल्टा से लग गया, और शायद मेरा नया नया ड्राइंग स्टार्ट करने की वजह से उस समय कुछ अच्छा भी लग रहा था देखने के बाद। फाइनली दोस्तों, मेरे पास ये जो ड्राइंग था ये है 300 GSM पेपर के ऊपर, जो कि मेरे पास उस समय हुआ करता था 300 GSM का पेपर। अब तो मैं 210 GSM के पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाता हूँ। ये काफ़ी रफ होता है और
मैं जो अभी यूज करता हूँ वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, और इसको मैंने बनाया था डोम्स का कलर पेंसिल से, और इसे ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने किरासन तेल का यूज किया था, मिट्टी का तेल का, तो काफ़ी मस्त इससे भी ब्लेंडिंग हुआ था। एंड ये जो ड्राइंग आप लोग देख रहे हो, ये मेरे छत के ऊपर से मैंने आउटडोर किया हुआ है, तो इसे देख सकते हो। 19/7/2021 को बनाया है मैंने, अपने छत पे बैठ के बनाया था। एंड और भी ड्राइंग आप लोग देख सकते हो किस तरीके का मेरा हुआ करता था, तो आप लोग पूरा ड्राइंग देखो। गाइज, अब तक का मेरा जो फेवरेट ड्राइंग है वो है सारा का सारा इसके अंदर, जो कि मैंने यूट्यूब पे आने के बाद ड्रॉ किया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगते हैं ड्राइंग। इस इन सारे ड्राइंग का वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये है माचिस से ड्राइंग, जहाँ दोस्तों जल्दी में मैंने इसे भी अपलोड किया है, जो कि माचिस का तिल्ली से मैंने ड्राइंग बनाया था इसे, अगर नहीं देखो तो जाकर देख लेना। और ये दिवाली ड्राइंग था, इसका एडिटिंग काफ़ी मस्त हुआ था। एंड ये सौरभ जोशी आर्ट का ड्राइंग आप लोग को मिल जाएगा पत्ता से ड्राइंग देखने को, इसका मैं थंबनेल दे देता हूँ आप लोग को यहाँ पर डिस्प्ले पर, ताकि आप लोग को ढूंढने में आसानी होगा। और ये है फ्री फायर का डीजे आलोक। जी हाँ दोस्तों, मैं भी फ्री फायर खेलता हूँ, मैं भी एक फ्री फायर का प्लेयर हूँ। आप लोग में से जो भी फ्री फायर खेलते हो वो लोग कमेंट में लिख देना फ्री फायर लवर। एंड ये देख सकते हो कैरी मिनाटी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है मेरे को। ग्रेफाइट का मेरा फेवरेट ड्राइंग यही इस वर्ष का बन चुका है, क्योंकि इसका जो गॉगल्स वगैरह है वो बहुत ही काफ़ी हद तक सही बना है, बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड ये फनी फेस ड्राइंग, जी हाँ दोस्तों, ये 2021 का है, और 2020 से मैं इसको मैच करा देता हूँ, देख सकते हो 2020 का ये वाला है। इसका बियर्ड देखो दोस्तों किस टाइप का लग रहा था, और इसका बियर्ड देखो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, एक एक बाल इसके अंदर दिख रहा है बियर्ड का। तो ये मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है 2020 से 2021 के अंदर में, इसका हेयर देख सकते हो और उसका हेयर देख सकते हो किस टाइप का है। और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ड्राइंग, जल्द में मैंने इसे हाल ही में बनाया है, 2 या 3 दिन हो रहा है। और ये 2019 का ड्राइंग देख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस तरीके का फेस लग रहा है, एकदम अजीब टाइप से लग रहा है। और ये वाला ड्राइंग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, इसका हेयर जो है एंड फेस जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, तो यही प्रैक्टिस के साथ साथ आपका भी हो जाएगा। एंड ये जो हमारा जो आखिरी ड्राइंग है यही है लिपस्टिक से ड्राइंग, इसका भी मैं थंबनेल आप लोग को दे दे रहा हूँ, देख सकते हो। इसे भी मैंने 2 या 3 दिन पहले ही बनाकर अपलोड किया है, तो ये मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप लोग नहीं देखो तो जाओ चैनल पर देख लेना। यही था मेरा कुछ ड्राइंग का जर्नी। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारा जो ड्राइंग था वो बचपन से आज तक किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो कहते हैं ना कि जिस फील्ड में आपको मन लगता है उस फील्ड में आप दिन में 1 घंटा ही क्यों ना उसके ऊपर समय दो, बट समय दो आपके लिए वो कुछ न कुछ फ़ायदा ही करेगा आगे चल के। मैंने भी वही किया है, मैं हर दिन कुछ न कुछ नया ट्राई करता हूँ, नया बनाने की कोशिश करता हूँ, जिस वजह से मैं आज तक बचपन में कैसा बनाता था और आज कैसा बनाता था वो तो आप लोग ने देख ही लिया। तो यही है मेरा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके पीछे का राज, मैं हर दिन कुछ न कुछ नया बनाता था। अगर आप लोग को जिस फील्ड में मन लगे, जो चीज़ करने में अच्छा लगता है, उसमें आप लोग कुछ ना कुछ उसके ऊपर समय देते रहो, ताकि आपका जो उसमें बेस है वो बना रहे। तो यही आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।